जिनका भी पैन कार्ड खो जाता है तो जानकारी के अभाव में वो जा कर के नया पैन कार्ड बनवा लेते हैं, या वो ई फिलिंग के पोर्टल से जो 30 मिनट से भी कम टाइम में इंस्टेंट पैन कार्ड बनता है वो जनरेट करवा लेते हैं। दो पैन कार्ड रखना एक कानूनन जुर्म है, आप पर 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है और आपका दोनों पैन कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। तो सबसे पहले जब आपका पैन कार्ड खो जाए तो आपको अपना पैन कार्ड का एक डुप्लीकेट ऑर्डर करवा लेना है। डुप्लीकेट ऑर्डर करवाने के लिए आपका जो पैन कार्ड था उसका कोई जेरोक्स या कोई रिसिप्ट आपको जुगाड़ कर लेना है। यदि आपके पास खोए हुए पैन कार्ड का कोई जेरोक्स है तो आप बहुत बड़े परेशानी से बच जाएंगे। यदि आपके पास खोए हुए पैन कार्ड का कोई भी जेरोक्स कोई भी फोटो नहीं है तो आपको एक FIR की कॉपी सबमिट करनी होती है। आप थाने में जा कर के FIR करेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे कि आपकी पैन कार्ड खो गया है, आपको FIR करना है ताकि आप डुप्लीकेट पैन कार्ड री ऑर्डर कर सके। इस प्रोसेस से आपको काफी पैसा खर्च होगा और आपका काफी समय भी चला जाएगा, आपको ये प्रोसेस भी नहीं फॉलो करना है। जब भी आप अपने खोए पैन कार्ड को री ऑर्डर करने जाएंगे तो पिछला पैन कार्ड का यानी कि खोए हुए पैन कार्ड का कुछ प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि उसकी जेरोक्स या उसका रिसिप्ट या उसकी कोई भी फोटो। यदि आपके पास ये चीजें नहीं होंगी तो जरूरी है कि आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भी नहीं मालूम होगा। आपको पैन कार्ड रीऑर्डर करने के लिए आपका पैन कार्ड का नंबर मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप रीऑर्डर कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको पैन कार्ड का नंबर नहीं मालूम है, कुछ भी आपके पास प्रूफ नहीं है, तो फिर भी आप अपने आधार का डिटेल वेरीफाई करवा करके इनकम टैक्स के कस्टमर केयर से अपना पैन कार्ड का नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। खोए हुए पैन कार्ड का नंबर मालूम करने के लिए आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहे हैं, आपको इस पर कॉल कर लेना है। कॉल करने का जो टाइमिंग है वो ऑफिशियल टाइमिंग होता है, यानी कि आप 10 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैंने अपना खोए हुए पैन कार्ड का नंबर कस्टमर केयर से बात करके कैसे मालूम किया है, उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के आगे में बता रखा है। आयकर संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। Welcome to Aikar Sampark Kendra. Press 1 for Hindi. Press 2 for English. Press 3 for... Corporate, गैर-corporate करदाता, कृपया ध्यान दें। जिनके खाते auditable हैं, उनके लिए निर्धारण वर्ष पैन की जानकारी के लिए कृपया 1 दबाएं। आयकर रिटर्न के ऑनलाइन जानकारी कॉर्पोरेट गैर कॉर्पोरेट करदाता। नमस्कार, आयकर केंद्र में आपका स्वागत है। मैं विजय, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर वो अगर मेरा पैन कार्ड खो गया है तो हमको पैन कार्ड का नंबर पता करना था। सहायता करेंगे, क्या मैं आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर जान सकता हूँ? 29816 और मेरा नाम कर दे। नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बताने के लिए धन्यवाद शंकर जी। जी तो शंकर जी, आपको जिनका पैन नंबर जानना है उनका मैं नाम जान सकता हूँ स्पेलिंग के साथ? जी, पैन मेरा ही है SHANKAR शंकर जी, राजस्थान। सही है जी? सही है सर। शंकर में लास्ट में SHAN के बाद KAR है ना? जी KAR। डेट ऑफ बर्थ जान सकते हैं इंग्लिश में? जी 26/11/1990। 26/11/1990। पिन कोड जान सकते हैं इंग्लिश में? जी इंग्लिश में 26 November 1990। पिताजी के नाम जान सकते हैं? पिन कोड जान सकते हैं एड्रेस के? क्या पिन कोड एड्रेस के जान सकते हैं? पिन कोड सर 82। एड्रेस सर भी मेंशन है, स्कूल के नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय विक्ट्री कॉलियरी। आधार नंबर की लास्ट 4 डिजिट? 8835। डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए धन्यवाद। पैन नंबर मिल चुके हैं और आपने पिताजी के डिटेल्स वेरीफाई हो गया है, पैन नंबर नोट कर लीजिएगा। जी जी नोट कीजिए, पैन नंबर है डी दिल्ली। जी दिल्ली का डी लिखिए। जी लिख लिए। तमिलनाडु का टी?
जी, तो इस प्रोसेस से आप अपने आधार कार्ड डिटेल वेरीफाई करवा करके अपने खोए पैन कार्ड का नंबर मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपने नॉलेज में कुछ नया जोड़ पाएंगे। मिलते हैं आगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।